साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं राम मंदिर के खिलाफ एक ऐसी साजिश की जिसे नैरेटिव में गूंथ कर पूरी दुनिया में लोगों के बीच नफरत का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। और ये सिर्फ कुछ हिस्सों तक जुड़ा है, ऐसा नहीं है दोस्तों, बल्कि ये भारत के भीतर अलग अलग हिस्सों से जुड़ते हुए अब ये अमेरिका तक जा पहुंचा है। और अमेरिका में राम मंदिर के खिलाफ साजिश हो रही है, ये सवाल उठकर खड़ा हो गया है, जिस राम मंदिर को हम 500 वर्षों के संघर्ष के बाद, कानूनी संघर्ष के बाद हम लोगों ने हासिल किया है दोस्तों, उसके खिलाफ किस तरीके से नफरत पैदा की जा रही है, ये सोचना जरूरी है। और अगर ये अमेरिका में हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि इसकी साजिशें और इसकी जड़ें कितनी गहरी है। मेरी नजर पड़ी दोस्तों एक ऐसे मुद्दे पर, एक ऐसी खबर पर, मैं अभी आपको दिखाता हूं और आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये क्या हो रहा है। ये भारत के खिलाफ षड्यंत्र है, ये भारत की संस्कृति के खिलाफ षड्यंत्र है, या सिर्फ राम मंदिर उसके खिलाफ ये षड्यंत्र है। और ये खबर क्या है आप इसको देख लीजिए। दरअसल अमेरिका में जो भारतवंशी रहते हैं दोस्तों, वहां पर हर साल भारत के लोग एक इंडिया डे परेड निकालते हैं, हर साल निकालते हैं, और ये 4 दशक से भी अधिक समय से हो रहा है, इस बार भी हो रहा है, और ये स्वतंत्रता दिवस के कुछ दिनों बाद होता है, और इस बार 42वां इंडिया डे परेड हो रहा है, ये न्यूयॉर्क में होता है। और जाहिर तौर पर जो भारत के लोग हैं, भारतवंशी हैं, या जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं, वो सभी के सभी लोग गर्व से इंडिया डे परेड को निकालते हैं, मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, आपस में मिलने जुलने का एक अवसर होता है, अपनी भावनाओं को साझा करने का, अपनी संस्कृति को साझा करने का। और उसी में ये भारतवंशी दोस्तों झांकी भी निकालते हैं। आपको तो पता है कि जब खुशी का मौका होता है तो झांकी निकाली जाती है, अपनी बातों की, अपने भावनाओं को प्रकट करते हैं। तो इस बार एक झांकी राम मंदिर की भी, इसको भी शामिल किया। भाई राम मंदिर बना है और ये तो पूरी दुनिया जानती है ना, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहां कहां से नहीं गुजरना पड़ा। और बाहरी ताकतों को तो छोड़ दीजिए, भारत के भीतर इस देश की सबसे पुरानी पार्टी ने भी ये भरसक प्रयास किया कि राम मंदिर बन ना पाए, राम को काल्पनिक बताया, राम मंदिर की सुनवाई हो रही थी उस मामले की तो उसको टालने की कोशिश की, लेकिन हम सफल हो गए। अब आप देखिए अमेरिका में इसके बाद, राम मंदिर के शिलान्यास के बाद, पूजन के बाद, जो अमेरिका में रहने वाले भारतवंशी हैं वो इंडिया डे परेड पर राम मंदिर की झांकी को भी उन लोगों ने शामिल किया। और आप देखिए जितने भी वहां लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क के मेयर को चिट्ठी लिखी, कहा ये एंटी मुस्लिम है। आप सोचिए ये कोई सामान्य घटना नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए भारत में हिंदुओं के त्योहार होते हैं तो कैसे विवाद बनाते हैं, कभी दूसरे धर्म के त्योहार, और खास करके मैं मुस्लिम समुदाय के त्योहार की बात कर रहा हूं, कभी तो कुछ नहीं होता। बंगाल में भी आपने देखा, बाकी हिस्सों में भी आपने देखा, रामनवमी का जुलूस हो, देखिए पत्थर चलने लगते हैं। और वहां पर भी सिर्फ राम मंदिर की झांकी, अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करना कर रहे हैं, और उस पर भी मेयर को चिट्ठी लिखती है। आप सोचिए ये लेफ्ट लिबरल गैंग कहां तक पहुंच गए। और सिर्फ एक खबर नहीं, अभी आपको मैं दिखाता हूं कि राम मंदिर से नफरत का भाव कैसे ये लोग पैदा कर रहे हैं, नैरेटिव बना रहे हैं, और ये गैंग कितना सक्रिय और सशक्त हो चुका है।
आपको उसका भी उदाहरण दे देता हूं कि एक तरफ राम मंदिर की झांकी का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ यह खबर देखिए आपको अच्छा नहीं लगेगा, जिस व्यक्ति ने रामलला की मूर्ति बनाई अरुण योगी राज, उस शख्सियत का, उनको अमेरिका जाना था, उसका वीजा रद्द करवा दिया, उनको वीजा नहीं मिला, पूरी तैयारी हो गई थी। क्या इनका दोष यही है कि इन्होंने राम लला की मूर्ति बनाई? कोई रीजन नहीं बताया गया क्यों रद्द किया गया है। आप कल्पना कीजिए, यह कोई संयोग नहीं है दोस्तों। अगर आप इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे तो आप गहरी साजिश में फंस सकते हैं। और ये मैं देख रहा हूं दोस्तों, अरुण योगी राज, इनको क्यों जाना था अमेरिका, ये भी आपको बताता हूं। अमेरिका में एक राज्य है वर्जीनिया, वहां के रिचमंड में विश्व कन्नड़ सम्मेलन 2024 आयोजित किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगी राज को सम्मानित करने का फैसला किया गया, उनको आमंत्रित किया गया, उसमें उनको शामिल होना था और इसमें उनका पूरा परिवार सम्मिलित होना था। यह कार्यक्रम दोस्तों 30 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित किया गया है। कोई विवाद नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, वीजा रद्द कर दिया गया सिर्फ इसीलिए ना कि भाई रामलला की मूर्ति बनाई। आप सोचिए कितना बड़ा ये इकोसिस्टम काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, कहां कहां तक इसकी जड़ें गहरी हैं ये साजिश रचने वालों की। और ये कौन है अरुण योगी राज? एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं दोस्तों, कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले, कई पीढ़ियां, मैं पढ़ रहा था, इनकी कई पीढ़ियां इसी काम में लगी हुई हैं। इनके पिता भी योगी राज शिल्पी, एक बेहतरीन मूर्तिकार थे। इनके दादा वो भी एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहे हैं। और इनका संबंध तो दोस्तों मैंने देखा, मैसूर राजा के कलाकारों के परिवार से इनका संबंध है। और अरुण योगी राज कितने बड़े मूर्तिकार हैं आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने सिर्फ रामलला की मूर्ति ही नहीं बनाई है बल्कि कई और मूर्तियां बनाई हैं जिसके लिए इनकी तारीफ पूरी दुनिया करती है। आपने देखा होगा कि इंडिया गेट जो दिल्ली में है उसके बगल में सुभाष चंद्र बोस की 30 फुट की मूर्ति है, वो मूर्ति भी इन्होंने ही बनवाई है। इसके अलावा अरुण योगी राज ने भगवान आदि शंकराचार्य की 12 फीट की मूर्ति बनाई है जिसकी स्थापना केदारनाथ में की गई है। मैसूर में लीजिए, वहां भगवान हनुमान की 21 फुट की मूर्ति है, वो भी इन्होंने बनाई है। यानी एक प्रसिद्ध मूर्तिकार है निसंदेह, कई परिवार से, लेकिन इनका वीजा अमेरिका में रद्द कर दिया गया। और बात सिर्फ राम मंदिर के झांकी के विरोध का नहीं है दोस्तों, बात सिर्फ ये भी नहीं है कि अरुण योगी राज जी का वीजा कैंसिल कर दिया गया, बिना बताए कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि ये वो ताकतें हैं, याद रखिए, जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के तब भी ये लोग कामयाब हो गए थे। और आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री के रूप में जब नरेंद्र मोदी को न्योता अमेरिका से मिलता था तो इन्होंने वीजा कैंसिल करवा दिया था, जाने नहीं दिया था, पाबंदी लगवा दी थी, आप ये सोच लीजिए। तो ये लोग कितने ताकतवर हैं, और प्रधानमंत्री मोदी को इसका एहसास था और इसीलिए उन्होंने एक काम किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने ये प्रयास किया दोस्तों कि अगर हम भारतीय दूसरे के इशारे पर यूं ही झुकते रहे, बिखरते रहे, तो ये अच्छा नहीं होगा। भारतीय तो बहुत मजबूत हो चुके हैं, ताकतवर हो चुके हैं, उनको एकजुट करने की जरूरत है। और इसीलिए भारत और भारतवंशियों की ताकत को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक काम किया। वो जब भी विदेश यात्रा पर जाते वो भारतवंशियों के बीच
एकता बढ़ाने के लिए, एकजुट करने के लिए वो कोई ना कोई कार्यक्रम करते, लोगों को मिलाते, उत्सव का माहौल दिखाते कि तुम एक हो जाते हो, अगर हम भारतवंशी एक हो जाते हैं तो कितनी बड़ी ताकत बनती है। और इसका असर भी दिखने लगा। वरना आपको भी याद होगा, मैं आपको दिखा देता हूं कि जब ट्रंप राष्ट्रपति थे, हाउडी मोदी कार्यक्रम किया गया था, तो अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के हाथ में हाथ मिलाकर यूं पूरे स्टेडियम के चक्कर लगा रहा था। यह कोई छोटी घटना नहीं थी। आज तक अमेरिका के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति, उनकी सुरक्षा को लेकर आप सोचिए, यूं स्टेडियम के भीतर घूमना यह कोई आसान काम नहीं था। यह भारतवंशियों को एकजुट करने की ताकत थी दोस्तों। और आज पूरी दुनिया के भारतवंशी एकजुट हैं, ताकतवर हैं, वो कुछ भी करने का मादा रखते हैं। उनके बिना चुनाव पूरा नहीं होता किसी भी देश में। अब भारतवंशियों की इसी ताकत को कुचलने के लिए, खत्म करने के लिए एक नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। और देख लीजिए, ये बहुत बड़े खतरे की निशानी है। मैं तो भारत ही नहीं, दुनिया भर में जो भारतीय रहते हैं उनको दिखा दे रहा हूं। अब ये भारत को बदनाम करने के लिए, भारतवंशियों को बदनाम करने के लिए हिंदू सुपरमेसी की बात कर रहा है ये गैंग, ताकि भारत की बढ़ती ताकत को दुनिया के लिए संकट बताकर कुचला जा सके। ये नैरेटिव बहुत खराब चीज है दोस्तों। पहले हम समझते नहीं थे, लेकिन अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं। पहले भी बहुत सारे लोग इग्नोर मार देते थे, अब भी कुछ लोगों को लगेगा कि अरे ठीक है, लेकिन नहीं। ये जो हिंदू सुपरमेसी की बात की जा रही है, ये सिर्फ डराने के लिए, दुनिया भर में भारत को बदनाम करने के लिए, भारतवंशियों को बदनाम करने के लिए। और मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात को भली भांति समझ चुके थे। प्रधानमंत्री मोदी को यूं ही दूरदर्शी और भविष्य दृष्टा नहीं कहा जाता। वो देखते हैं, वो जो हम एक दो साल के लिए भी नहीं सोच पाते, वो आगे की भी कहानी समझ लेते हैं। उनको पता चल गया कि कैसे भारत को बदनाम करने के लिए नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। और उन्होंने 15 अगस्त को ही दोस्तों, जब लाल किले पर भाषण दिया ना, तब उन्होंने पूरी दुनिया से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भैया समझ लो अच्छे से, ये अगर भारत की ताकत बढ़ती है तो ऐसा नहीं है कि हम आपके दुश्मन बन जाते हैं। उन्होंने पूरी तरह से उस नैरेटिव को ध्वस्त करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि भारत की बढ़ती ताकत का असली मतलब क्या है, हम भारतीय कहां जाते हैं, किस योग्य बनते हैं। जरा वो बयान का एक हिस्सा आपको सुनाना चाहता हूं, सुन लीजिए। चुनौतियां हैं, अनगिनत चुनौतियां हैं। चुनौतियां भीतर भी है, चुनौतियां बाहर भी है। और जैसे जैसे हम ताकतवर बनेंगे, जैसे जैसे हमारा तवज्जो बढ़ेगा, तो चुनौतियां भी बढ़ने वाली है, बाहर की चुनौतियां और बढ़ने वाली है। और मुझे उसका भलीभांति अंदाज है, लेकिन मैं ऐसी शक्तियों को कहना चाहता हूं, भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर के नहीं आता। हम विश्व में समृद्ध थे, तब भी हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका। हम बुद्ध का देश है, युद्ध हमारी राह नहीं है। और इसलिए विश्व चिंतित न हो भारत के आगे बढ़ने से। मैं विश्व समुदाय को विश्वास दिलाता हूं कि आप भारत के संस्कारों को समझिए, भारत के हजारों साल के इतिहास को समझिए। आप हमें संकट मत मानिए, आप उन तरकीबों से न जुड़िए जिसके कारण पूरी मानव जात का कल्याण करने का सामर्थ्य जिस भूमि में है, उस भूमि को ज्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन फिर भी मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, चुनौतियां कितनी ही क्यों ना हो, चुनौती को चुनौती देना ये हिंदुस्तान की फितरत में है। देखा आपने दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी समझ चुके हैं इस खतरे को बहुत पहले।
और इसीलिए बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि अरे भाई भारत का इतिहास देख लो, हजारों साल का इतिहास है, हम को संकट मत मानिए, हम तो मानवता की रक्षा करने वाले लोग हैं, ये धरती ऐसी है, यहां की संस्कृति ऐसी है, और ये पूरा सिस्टम जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है दोस्तों कैसे काम करता, आप इस बात को महसूस कीजिए। आपने देखा होगा कि अमेरिका में कुछ समय से और कुछ महीने पहले से हिंदू मंदिरों पर हमले की खबर आनी शुरू हो गई, कितने सारे, कैलिफोर्निया में एक हिंदू मंदिर है उस पर हमला हुआ, हेवर्ड में मौजूद विजय शेरावाली मंदिर में भारत विरोधी बातें लिखी गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द लिखे गए, खालिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लिखे गए, ये कौन कर रहा है। और एक दो घटना दोस्तों आपको याद होगा, इससे पहले नेवार्क में स्वामी नारायण के मंदिर पर अटैक हुआ, इसी क्षेत्र में मौजूद एक दुर्गा मंदिर है वहां चोरी की घटना हुई, ये सब कुछ अचानक हो गया, कितने लेवल पर कहां कहां साजिश हो रही है, और ये तो सीधे सीधे भारत की अस्मिता को बदनाम करने की कोशिश है। ये सिर्फ हिंदू मंदिरों की बात नहीं है, हिंदू धर्म की बात नहीं है दोस्तों, हिंदू धर्म के खिलाफ कैसे कैसे नैरेटिव, ये शुरू हुआ इंडिया अलायंस के बनने के बाद, जब वो सनातन धर्म को खत्म करने की बात करने लगे, और फिर तो खुलेआम राम मंदिर के खिलाफ बोलना, आप राहुल गांधी को देखिए, और फिर अमेरिका में ये सारी चीजें हो रही, और इसी सिलसिले में दोस्तों आप राहुल गांधी के अमेरिका विजिट को देखिए, अब राहुल गांधी जा रहे हैं, लंबा दौरा है, 7 सितंबर को वो निकलेंगे और 14-15 सितंबर तक रहेंगे, क्या करेंगे, और जब भी ये विदेश जाते हैं तो क्या करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, कैसे भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, आरएसएस बीजेपी सत्ता सब कुछ भारत के खिलाफ, अमेरिका को बोलते हैं भैया घुसपैठ करो, आप सोचिए, एक जिसने रामलला की मूर्ति बनाई अरुण योगीराज, उनका वीजा कैंसिल, राहुल गांधी तो पहुंच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और इस सिलसिले में मैं आपको उपराष्ट्रपति साहब धनखड़ साहब की बात जरूर बताऊंगा कि उन्होंने कैसे राहुल गांधी की पोल खोल दी, उन्होंने खुलकर कहा कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से कह रहा है कि वो एंटी इंडिया नैरेटिव को बूस्ट करे, भाई हिंडनबर्ग एक विदेशी संस्था कैसे भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला करने का प्रयास किया, अडानी के बहाने करोड़ों रुपए कमा लिए, फिर वो एक गलत मंशा लेकर सामने आया और इस बार भारत की अर्थव्यवस्था को हिला भी नहीं पाया, यहां के लोगों ने औकात दिखा दी, लेकिन राहुल गांधी वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान ले, आप सोचिए सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान ले, क्यों भाई, कोई भी कुछ भी बोल देगा, आपको पता नहीं कि वो शॉर्ट सेलर कंपनी है, वो इससे करोड़ों रुपए कमाता है, और अब राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं दोस्तों, लेकिन ये तथ्य क्या किसी से छिपा है कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, जैसे लोकतंत्र को कुचला गया, वो सीधे सीधे अमेरिका की भूमिका है, कितनी बड़ी भूमिका है, आज जो बांग्लादेश के मुख्य किरदार बने हैं वो कैसे अमेरिका में जॉर्ज सोरोस से जुड़े हैं, भारत के अर्थशास्त्रियों से जुड़े हैं, और इन सब का जुड़ाव राहुल गांधी से भी है। और फिर उसी सिलसिले में आप बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, जैसे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है, अब आप समझिए सारा इकोसिस्टम एक साथ जुड़ा है। अमेरिका में राम मंदिर की झांकी का विरोध, हिंदू सुपरमेसी की बात, अरुण योगीराज का वीजा कैंसिल होना, इधर इंडी अलायंस का ये बोलना, उधर बांग्लादेश में वही इकोसिस्टम का कब्जा करना, हिंदुओं पर हमला करना, और तो और दोस्तों आप देखिए बंगाल में रेप की घटना होती है, इसका धर्म से कोई लेना देना है क्या, एक डॉक्टर पर जघन्य रेप और उसके बाद उसकी हत्या, उसको भी राम और वाम से जोड़ दिया, भगवान राम से जोड़ दिया गया,
और ये खुलेआम हो रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि छुपा छुपी हो रहा है। ममता बनर्जी खुद बोल रही हैं, यानी जो राहुल गांधी कर रहे हैं वही तो अमेरिका का लेफ्ट लिबरल गैंग चाहता, और वही बंगाल में ममता बनर्जी भी कर रही हैं। और इन्हीं लोगों को प्रधानमंत्री ने दोस्तों 15 अगस्त के भाषण में नसीहत दी थी। मगर मैं एक शुभ संकेत जरूर मानता हूं कि अमेरिका में भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस लेफ्ट लिबरल के नैरेटिव को समझ रहा है, वो जानता है, वो ये भी जानता है कि ये सिर्फ मोदी पर नहीं, ये पूरे हिंदू समाज पर, सनातन धर्म पर, पूरे हिंदुस्तान पर हमला है, और ये नैरेटिव कितना खतरनाक है। और इसीलिए मैंने देखा कि अमेरिका में भी हिंदू मंदिरों पर जो हमले हुए उसके खिलाफ अमेरिकी संसद में भी प्रस्ताव लाया गया, पेश किया गया है। ये एक शुभ संकेत है, यानी जो जंग चल रही है ये कोई छोटी जंग नहीं है। ये जंग दोस्तों दो संस्कृतियों के बीच है, दो सभ्यताओं के बीच है, सनातन धर्म को कुचलने और उसे बचाने की संघर्ष है। प्रधानमंत्री मोदी को सब पता है, वो अगले 10-20 साल की परिस्थितियों को देख करके अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि इसमें जनता जनार्दन की भूमिका सबसे बड़ी है। ये हो नहीं सकता कि आप वोट दे दें और 5 साल गहरी नींद में सो जाएं। यही किया था बांग्लादेश में, वोट देने के बाद चुपचाप गहरी नींद में सो गए और कुछ ही महीने के भीतर उसको उखाड़ कर फेंक दिया, लोकतंत्र ध्वस्त कर दिया और बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत हो गई। सतर्क रहना जरूरी है दोस्तों। उम्मीद करता हूं अमेरिका की इस साजिश को आप समझ रहे होंगे, वहां के रहने वाले भारतवंशी भी इसे समझ रहे होंगे, और इसको सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाने की जरूरत है। नैरेटिव की इस लड़ाई में खुद को भी शामिल करना जरूरी है। आपको आपके क्या विचार हैं दोस्तों जरूर बताइए, और अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर एक नया गीत अपलोड किया है रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ दोस्तों, तो उसे आप ज़रूर देखिए, बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सियाराम।